कराची से नारायण कागान जाने का हमने प्लान बनाया है, तो ये अभी हमारा सफ़र शुरू होता है। सुबह के 7 बज रहे हैं, हम घर से निकले, देखते हैं हम टोल प्लाजा कितने बजे क्रॉस करते हैं, फिर आपको अपडेट करते हैं। मलीर हाईवे लिंक रोड पे हम पहुँच चुके हैं, सुबह के 7:10 हो रहे हैं। तकरीबन सुबह 7:30 बजे हम लोग इस वक्त टोल प्लाजा पे पहुंच गए। ठीक 7:30 बजे हम लोग इस वक्त टोल प्लाजा कराची का क्रॉस कर रहे हैं, और कराची हैदराबाद मोटरवे पे चढ़ रहे हैं इस वक्त, और ये एम टैग हमने लगा लिया था, इसलिए हम एम टैग वाली लेन में इस वक्त पहुँच गए। इस वक्त हम कराची की मशहूर हाउसिंग सोसाइटी बैरियर टाउन से गुजर रहे हैं, और M9 पे सफ़र हमारा जारी है। मौसम आज काफ़ी बेहतर है, हालांकि जून का महीना है, फिर भी काफ़ी बेहतर है कराची में। कल भी 33 था और आज भी मुझे मौसम सही लग रहा है। हैदराबाद टोल प्लाजा के बाद सुपरवाइजर हमने छोड़ देनी है और लेफ्ट पे टर्न मारना है आमरी ब्रिज जामचरों की तरफ। इससे हमें तकरीबन 1 घंटे की बचत होगी, और ये रोड भी बड़ा अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे आबादी भी, ट्रैफिक और ट्राले भी कम है। अच्छा, 8:45 पे हमने हैदराबाद का टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया। इत्तेफाक से वीडियो का बटन दबना रह गया था, तो हैदराबाद का हमने टोल प्लाजा क्रॉस किया है 8:45 पे। जामशोरों के शहर से गुजर रहे हैं हम, आमरी ब्रिज से नेशनल हाई सुपर हाईवे से जब हमने लेफ्ट टर्न मारा जामशोरों के जरिए जो रास्ते गई, तो ये 7 का रास्ता है, तो ये आमरी ब्रिज तक डबल रोड बना हुआ है, तो ज़बरदस्त रोड है, आपको ट्रैफिक भी कम मिलेगा इसमें, और ये कि आपका टाइम बहुत बचेगा। ये नवाब काजी अहमद नवाबशाह के पास जाके नहीं, काजी अहमद के पास निकलता जाएगा वापस दोबारा, और यहाँ से फिर हमने जामशोरों वाला रोड छोड़ के वापस काजी अहमद वाले रोड पर चढ़ जाना। ये आमरी ब्रिज है, और ये रोड सीधा आपको काजी अहमद पे ले जाएगा। यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर हम वापस नेशनल हाईवे पहुँच जाएंगे, तो हमारे हाला मटियारी और इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे शहर जो है ना वो क्रॉस हो जाएंगे, थकरंड सरहद ये सारे शहर क्रॉस हो जाएंगे, और हम यहाँ से डायरेक्ट काजी अहमद पहुंच जाएंगे, जहाँ से मोरू बहुत करीब हो जाएगा और सखर करीब हो जाएगा। मुझे इस दरिया सिंह के पुल का टोल प्लाजा आ जाएगा, यहाँ पे हमने 30 रुपये देंगे, आमरी टोल प्लाजा पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 रुपये देने होंगे हमें। अबे अबे उठा देना यार, शुक्रिया, थैंक यू। और ये दरिया सिंह हमारे इर्द गिर्द चलेगा, ये दरिया सिंह का ब्रिज है, सिंधु दरिया अभी हम क्रॉस करेंगे तो हम वापस काजी अहमद पहुंच जाएंगे, तो ये शॉर्टकट है और अच्छा रोड बन चुका है। और ये हम काजी अहमद के मकाम पे दोबारा हम लोग ने नया कौमी शाहरा ज्वाइन कर लिया है, जानशरों वाला रोड आमरी ब्रिज से कट मार के, अभी टाइम हुआ है 10:13 और हम काजी अहमद पहुंच चुके हैं। काजी अहमद 4 किलोमीटर है, मोरू 50 किलोमीटर, ये हमारी कौमी शाहरा आ गई। ये वापस हम लोग कौमी शाहरा N5 पे आ गए,
और ठीक 11 बजे हम लोग मोरो टोल प्लाजा पहुँच चुके हैं। यहाँ पे भी 30 रुपये देने होंगे। अब ये नेशनल हाईवे चल रहा है, याद है ये नेशनल हाईवे है, और मोरो का टोल प्लाजा हमने क्रॉस किया। ठीक 11 बजे का टाइम है और गर्मी में इजाफा होता जा रहा है। अब हम यहाँ पे स्टॉप लेंगे, देखें यहाँ पे बनाना, फ्रेश बनाना लेके लोग बेच रहे हैं पेटियाँ निकाल निकाल के। और अभी रॉयल ताज रेस्टोरेंट आने वाला है, वहाँ पे हम पहला स्टे लेंगे। तो तकरीबन 7:30 बजे निकले थे और 11 बजे 8-9 तकरीबन ये हिसाब लगा लें कितने घंटे हो गए, 7:30 से 11 बजे हम मोरो पहुँचे, मोरो टोल प्लाजा क्रॉस किया। हाँ जनाब, ये पहुँच चुका है इस वक्त रॉयल ताज, यहाँ पर हम स्टे लेंगे। कराची से तमाम लोगों को, आने वालों को मशवरा मेरा यही है, हम 7:30 बजे निकले थे, 3.5 घंटे में 308 किलोमीटर गाड़ी ने सफ़र तय किया है। और ये बिल्कुल 3.5 घंटे बाद आपको गाड़ी को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे मस्जिद, वॉशरूम, नमाज की जगह, बच्चों का प्ले एरिया सब मौजूद है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग भी यहाँ पर आके रेस्ट किया करें, दैट इज़ अ गुड प्लेस। ये रॉयल ताज रेस्टोरेंट में चूल्हे वगैरह भी हैं, यहाँ पे बच्चों के प्ले एरियाज भी हैं। वाह वाह वाह, ये प्ले एरिया में बच्चे देखें, ये छोटे बड़े सारे बच्चे यहाँ पे। कहाँ हो, किधर हैं बच्चे, सारे सारे गायब हो गए। ये प्ले एरिया भी है, बाहर शदीद गर्मी है। जी जी वाह, मोरो पे से हम 11:45 पे निकले और बच्चों ने आइसक्रीम खा ली, हमने चाय पी ली। तो क्योंकि अभी खाने का भी टाइम नहीं था, नमाज का भी टाइम नहीं हुआ था, तो इसलिए अभी हमने सफ़र को जारी रखा आगे की तरफ। अब सखर यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, मगर ये ट्रैफिक का हाल ये है जो आपके सामने है, ज़रा रोड तंग है, सैलाब भी आया था यहाँ पर, तो इसी तरह से अभी चलना होगा हमें मोटरवे रोड़ी तक। रानीपुर टोल पर आ चुका है, टाइम हो रहा है 1:05, 30 रुपये यहाँ पे करना है आपके सामने। दोपहर के 2 बज रहे हैं, 441 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है और इस वक्त 2 बज रहे हैं और 6 किलोमीटर बाद मुल्तान, सखर मुल्तान मोटरवे शुरू हो जाएगा। तो अब ये लोकल ट्रैफिक से हमें आज़ादी हो जाएगी और फिर मोटरवे पे सफ़र शुरू करेंगे हम। 6 किलोमीटर के बाद राइट पे PSO का पंप आएगा और दरबार रेस्टोरेंट आएगा, वहाँ से खैर बोर्ड भी लगा होगा, तो वहाँ से आपने ट्रैवल करना है। ये रोड़ी के पहाड़ है, इधर से भी पता नहीं है, इसको खोदते रहते हैं, पता नहीं क्या निकलता है। प्यास से लदे ट्रक जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में सामने, हाँ सामने PSO का जो पंप नज़र आ रहा है, यहाँ पे बोर्ड नज़र आएगा, यहाँ से आपको राइट लेके सखर मुल्तान मोटरवे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे डेबिट कार्ड भी चलता है और ये देखिए ये पंप अप है और मोटरवे M5 यहाँ पे सीधे आदमी मुड़ना होगा, यू टर्न लेके आना पड़ेगा सामने से मेरे ख्याल में। 447 किलोमीटर चल चुकी गाड़ी कराची से लेके यहाँ तक, अभी तक पेट्रोल के 2 पॉइंट बाकी हैं, आई डोंट नो कितना और जाए। तो ऑल्टो का एवरेज बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ही आला एवरेज है इसका। ये बेदल पेट्रोल पंप है और ये ज़बरदस्त पेट्रोल, बिल्कुल कॉर्नर पर ही है, ये बेदल रेस्टोरेंट है। ये नेशनल हाईवे जा रहा है, यहाँ से आपको ये रोड जो जा रहा है ये सीधा मोटरवे पे ले जाएगा। ये देखिए ड्राइव थ्रू ATM भी लगा दीजिए अभी बैंक में, वाह जी वाह ज़बरदस्त, अभी बैंक का ड्राइव थ्रू ATM है, वाह वेरी नाइस। आप यहाँ से कैश भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर एग्जेक्टिव वॉशरूम्स भी हैं
उसमें आप वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं, छोटी सी बेकरी है, नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो ये माशाल्लाह इधर वॉशरूम में भी एसी है, मैंने आपको जो बताया, और एटीएम में भी एसी है, बेकरी उसमें भी एसी है, टक शॉप में भी एसी है माशाल्लाह, बेदल इनके पास ये पंप पे भी है, वो रेस्टोरेंट में भी एसी है। अगर एसी नहीं है तो सिर्फ मस्जिद में एसी नहीं है, छोटी सी मस्जिद है। तो मेरी गुजारिश है यहाँ के सेठ से कि भाई इतनी अच्छी लोकेशन पे आपको पंप मिला, बल्कि पंप तो इनका पुराना था, मोटरवे ने एग्जिट यहाँ से दिया। इतनी अच्छी आपकी लोकेशन है, बेदल रेस्टोरेंट के ओनर से मेरी गुजारिश है कि इस मस्जिद में भी अगर आप एसी लगा देना तो यकीनन नमाजियों को बहुत सहूलत हासिल होगी, क्योंकि हर जगह एसी लगा है सिवाय अल्लाह के घर में। ये डॉल्फिन बेकरी थी, नई खुल गई थी बेदल रेस्टोरेंट के साथ, और यहाँ पर हमारे जानने वाले अस्सलाम वालेकुम फैदा भाई है, ये हमारे जानने वाले हैं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे कैशियर है। तो ये बेकरी ज़बरदस्त खुल गई है, तो जितने भी लोग कराची से आ रहे हैं यहाँ पे रेट भी आपको मुनासिब मिलेगा, मतलब मिनरल वाटर आपको 85 का मिल रहा है, मतलब कराची से भी सस्ता है 90 की जगह। और ये कि सारा इनका माल फ्रेश है, शक्कर में बहुत बड़ी इनकी ब्रांच है, डोनट्स वगैरह हो गए, और ये भी इनका सारा सैंडविच वगैरह, ये सारा उसके अलावा आपको सारे बेवरेजेस यहाँ पर मिलेंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, मोटर पे चढ़ने से पहले आप यहाँ से अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ले लें। और इस पर कैशियर है फिदा भाई, ये हमारे जानने वाले भी हैं, इधर आ दो, तुम शक्ल नहीं आ रही तुम्हारे, हाँ भाई और भी ठीक है आप? जी, अच्छा कितना अर्सा हो गया इसको खुल के यहाँ पे? ये 15 दिन हो गए हमें। 15 दिन हो गए, 24 आवर्स की सर्विस है और बड़ी बेहतरीन सर्विस है। अच्छा जनाब, थैंक यू वेरी मच, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। मैं से बेदल रेस्टोरेंट से टर्न लिया तो उसके आपको 1 किलोमीटर बाद ही ये मोटरवे का एंट्री पॉइंट आ जाएगा, और ये जनाब रोड़ी टोल प्लाजा आ चुका है M5, और जनाब ये रोड़ी टोल प्लाजा आ गया। और अब यहाँ से ज़बरदस्त रोड शुरू हो जाएगा, M10 की लेन से हम आ चुके हैं, ये देखें जनाब, अब 2:38 पे कराची से 467 किलोमीटर दूर अब हमने रोड़ी मुल्तान शक्कर मोटरवे पे कदम रख लिया। और ये देखें जनाब, ये मोटरवे स्टार्ट हुआ, और वही बात है कि दुनिया बदल गई, ज़िंदगी बदल गई। हाँ, ये पाकिस्तान के सबसे ये लंबा सेक्शन है, 392 किलोमीटर है ये भाई, ये वाला टोल टू टोल। अब यहाँ से मुल्तान 386 किलोमीटर है, गुटकी 55 है, पन्नू अकेला 28 है, ओल्ड नाना किनार के ऊपर से हम गुजर रहे हैं इस वक्त। ये मोटरवे के नीचे से ये रेलवे लाइन गुजर रही है जो कि इस्लामाबाद की तरफ प्रॉपर्टी की तरफ जा रही है, से मोटरवे को पहला सर्विस एरिया तकरीबन 10 किलोमीटर के बाद ही आ जाता है। बट अभी चूँकि फ्यूल हमने पहले डलवा लिया था, सब चीज़ें हमने ले ली थी, तो मेरे ख्याल में हम आगे जाएंगे। 3:43 हो चुके हैं और कराची से 593 समझे 600 किलोमीटर दूर हम पहुंच चुके हैं, और 4:15 पंजाब शुरू हो चुका है इस वक्त, और वेलकम टू पंजाब का बोर्ड आया, मगर वो बस गाड़ी स्पीड में से मुझसे मिस हो गया। मतलब ये पंजाब के खूबसूरत खेत और खलियान में हम दाखिल हो चुके हैं, 3:45 टाइम है, तो इंशाल्लाह सफ़र जारी है, आप साथ रहिएगा। ये एक रेस्ट एरिया पे हम रुके और हम आ गया से हमने सोचा कि चाय ले लें, VIP शॉवर्स भाई, शॉवर्स भी हैं, VIP शॉवर्स भी हैं, ATM भी लगे हैं, ज़बरदस्त है। देखो
4:16 है, रही मियाँ खान और रोजान जमाली का इंटरचेंज आ चुका है। 4:16 हो रहे हैं इस वक्त। हम मौजूद हैं उच शरीफ के सर्विस एरिया पे, मुल्तान। यहाँ से आगे 100 किलोमीटर 5:15 हो रहे हैं, तो हमने डिसाइड किया कि अब फैसलाबाद पे जाया जाए, क्योंकि मुल्तान बहुत करीब आ गया। इधर हम नमाज पढ़ेंगे। शाम का खूबसूरत मनाज़िर पंजाब के गांव में, शाम की लोग अपने खाने की तैयारियां कर रहे हैं। गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने लगा है, ये मुल्तान सर्विस एरिया आ चुका है। वापस से नमाज की जगह पहुँचेगा भाई, हर जगह सेम डिज़ाइन है। बच्चा समझ रहा है कि हम दोबारा जहाँ हमने पहले नमाज पढ़ी थी वहीं पहुँच गए। वाह, पेट्रोल हमने ये मुल्तान सर्विस एरिया से फुल किया, 7,000 रुपीज़ का 26 लीटर आया। अब हमने वैसे आज रात मुल्तान रुकने का हमारा इरादा था, मगर हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया क्योंकि अभी 7:45 हुए हैं और मगरिब होने में भी टाइम है, बादल आए हुए थोड़े। अब हमारा इरादा फैसलाबाद जाने का है, जो कि आगे 250 किलोमीटर दूर है। ये मुल्तान का सखर मुल्तान मोटरवे बंद क्लोज हो गई है अभी। सखर मुल्तान मोटरवे इस वक्त हम, और अब ये कि हमारा तो नाम लिखा हुआ आ रहा है उस पर। हाँ, सखर मुल्तान मोटरवे ख़त्म हो गई अब, और अब ये अब्दुल हकीम मोटरवे शुरू होगी। अब्दुल हकीम मोटरवे ख़त्म हो गई, सॉरी, अब ये M4 शुरू हुई है। M4 शुरू हो चुकी है, शेरशाह टू खाने वाला है M4। अच्छा, ये 2 लेन रोड है, और ये अगर हम सीधा जाएंगे तो लाहौर की तरफ जाएगी, और अगर लेफ्ट टर्न करेंगे पिंडी भटिया की तरफ जाएगी। यहाँ से इस्लामाबाद के लिए सीधा जाना होगा और लाहौर के लिए राइट टर्न लेना होगा 5 किलोमीटर के बाद। ये लाहौर जाने के लिए राइट पे टर्न करना पड़ेगा, और फैसलाबाद के लिए, इस्लामाबाद फैसलाबाद के लिए सीधा जाना पड़ेगा इस मकाम से। रात को इस पॉइंट को देखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका रोड यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये वो जगह है जनाब, यहाँ से हाईवे स्टार्ट हो जाएगी लाहौर के लिए, फैसलाबाद के लिए। जो राइट साइड पे गाड़ियाँ जा रही हैं वो लाहौर के लिए जा रही हैं, और जो लेफ्ट साइड पे ट्रैफिक जा रहा है वो फैसलाबाद इस्लामाबाद के लिए। ये देखिए, ये राइट पे जो गाड़ी गई ये लाहौर के लिए गई, और जो सीधा गाड़ी गई ये इस्लामाबाद, और ये पॉइंट है। इस पॉइंट को नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप M4 पे आ गए और वो M3 पे चले गए। तकरीबन 9:30 बजे और फैसलाबाद शहर हमारे बराबर में चल रहा है, और हम पिछला भी इंटरचेंज आया था वो भी फैसलाबाद जाता है, बट ये कि हमने जिस इलाके में जाना है वो अगला इंटरचेंज है, वहाँ से उतरेंगे। इस वक्त फैसलाबाद के होटल 1 में हैं हम, और आप यकीन करें कि इतनी गर्मी है और गर्म हवा ऐसे चल रही है जैसे लू चलती है। कराची में शायद दोपहर को भी इतनी गर्मी ना हो जितनी यहाँ पर रात को गर्मी है, इतनी सख्त लू चल रही है।